आप देख रहे हैं पी न्यूज उत्तर प्रदेश, खबरों का बादशाह। संदिग्ध स्थिति में बेचने के लिए जा रहा राशन पकड़ाया, पूर्ति विभाग राशन की जांच में जुटा। मैनपुरी के किसनी थाना पुलिस ने कालाबाजारी की सूचना पर डीसीएम से जा रहे गेहूं व चावल को सामान क्षेत्र से पकड़ लिया है। मामले की जानकारी थाना अध्यक्ष अजीत सिंह ने एसडीएम को दी। एसडीएम के आदेश पर पूर्ति निरीक्षक की टीम मामले की जांच में जुट गई है। मंगलवार की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कालाबाजारी के लिए सरकारी गेहूं और चावल डीसीएम संख्या UP16CT8361 में लोड होकर जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने सामान की पुलिया से डीसीएम को पकड़ लिया। डीसीएम में चालक के साथ एक व्यक्ति को भी पकड़ लिया गया। राशन से संबंधित कोई कागजात न दिखा पाने पर पुलिस डीसीएम को थाने लेकर आई। इंस्पेक्टर अजीत कुमार ने मामले की जानकारी एसडीएम राम सकल मौर्य को दे दी। एसडीएम के आदेश पर पूर्ति निरीक्षक सुरेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ थाने पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। पूछताछ में चालक ने बताया कि डीसीएम ने 76 कट्टे चावल व 24 कट्टे गेहूं किसनी बाईपास से जसवंत नगर में एक मिल में पहुंचाने के लिए लादे थे। इन सभी कट्टों पर हाथ से सिलाई की गई है। इस बारे में इंस्पेक्टर अजीत सिंह ने बताया कि इस राशन को संदिग्ध स्थिति में पकड़ा गया है, जिसकी सूचना एसडीएम साहब को दे दी गई है और आपूर्ति विभाग इसकी जांच में लगा हुआ है। किस्ती तहसील से संवाददाता रचित पांडे की यह रिपोर्ट।